आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब, धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। बड़ी खबर धनबाद में दिखेगा गांव का छलक। मैं बात कर रहा हूं इस बार दुर्गा पूजा में न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में जो पूजा पंडाल बन रहा है उसमें गांव की झलकियां दिखेगी साफ तौर पे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह अभी वहां काम चल रहा है पूजा पंडाल का, जहां उनका नाम रखा गया है चलो गांव से शहर की ओर। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। जी बताएंगे इस बार पूजा में क्या कुछ खास बनाया जा रहा है आपके यहाँ? इस बार खास हम लोग जो है शहर गांव को शहरीकरण की ओर दिखाना चाह रहे हैं जी। और हर साल हम लोग न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी पूजा से कुछ न कुछ नया करने का कोशिश करता है। जो मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से कम धनबाद वासियों के हमारे पंडाल के ये मैसेज जाता है, और आप लोग का सहयोग से हम लोग पंडाल में काफी भीड़भाड़ भी होता है, जो इसके लिए आप लोग धन्यवाद के आभारी हैं। हमारी कमेटी पूरी तरह से आपको धन्यवाद देते हैं जी। थैंक यू। और क्या कुछ संदेश धनबाद के लोगों को देना चाहेंगे पूजा पंडाल के माध्यम से? सबसे संदेश तो यह देना चाहेंगे कि गांव में बहुत सारे लोग हमारे धनबाद वासी कम से कम मेरे ख्याल से 80% लोग जो है गांव से ही बिलोंग करके आए हैं जी। और गांव में पहले क्या था, आज के जनरेशन बच्चे लोग को शायद ये समझ में नहीं आता है, तो उस चीज को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि गांव में पहले क्या था, अब शहर में अब क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे गांव में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं थी, आज हमारे शहर में एक से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का व्यवस्था हो गया है। शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, उसमें अच्छे अच्छे आज शहर में आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि अच्छे स्कूल जो है, स्कूल कॉलेज वगैरह जो है बना है। दूसरी बात है कि आज के बच्चे लोग शहरी क्षेत्र शहरीकरण के जो बच्चे हैं, जो नया डेवलप कंप्यूटर और मोबाइल वाले जो युग में है, वो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर पर देखते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन इस गांव में जैसे प्रवेश करेंगे तो एक अच्छा खेती करते हुए किसान आपको दिखेगा। उसके बाद चौपाल, चौपाल लोग सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं, लेकिन बच्चे लोग देखे नहीं जी, जो कि गांव में चौपाल, गांव में चौपाल बनता है आज हमारे, उसको भी हम लोग दर्शा रहे हैं जो पूरे पंच परमेश्वर के साथ वो लोग अपना चौपाल रूप में दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक तालाब है, तालाब में हम लोग जो पंचवेली जो अभी सर ने बताया वो एक बहुत मनोहर दृश्य है, हमारा बंगाली कल्चर से जो पूजा होता है उसी दृश्य से उसको हम लोग ढाक के साथ हम लोग दिखाए हैं। और माता ये सब दूसरी चीज़ है कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज विरोध और नशा मुक्त हम लोग एक देश बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको ये दिखेगा कि शराबी शराब पीकर गिरे हुए हैं उसका नतीजा तो क्या होता है। आपके इस पंडाल के अंदर ये भी लुक दिखाया जाएगा? हाँ, ये लुक दिखा रहे हैं जी। जो शराबी गिरे हुए हैं उसको कुत्ते उसके जानवर उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो दृश्य वो आके देखने के बाद महसूस होगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जी। मतलब कहीं ना कहीं इस पंडाल के माध्यम से सरकार को भी एक मैसेज जा रहा है। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं, पिछले जैसे हम लोग हमने बताया सिंदरी बंद फटी जाया इसका कारखाना जो आप लोग सामने के द्वारा आज सिंदरी अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है जी। उसके ताला जो लगा हुआ था, इसके पहले हम लोग मेक इन इंडिया बनाए, वो भी हमारा जो है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत बहुत कुछ देश को दिए हैं, उसको भी हम लोग दिखाए। ये अपना परिचय दे दें। हम इस कमेटी के अध्यक्ष हैं मुनीश्वर सिंह।